बहुत इंतजार कराया आपको, क्षमा चाहूंगा, पर आ गया है वो समय जहां पर होगा महादंगल ऑक्टन और ओक्समिथ का। आज का जो हम महादंगल करेंगे उसमें रहेंगे हमारे पांच पैरामीटर्स। पांच पैरामीटर्स में नंबर वन है विजन, दूसरा है केस, तीसरा बॉटल, चौथा नोजिंग एंड पांचवा टेस्टिंग। टोटल अंकन होगा 100 पॉइंट का। शुरू करेंगे हम 10 पॉइंट से, हम उसको लेके जाएंगे 30 पॉइंट तक। देखते हैं इस आंकलन में कौन जीतेगा। आज बात करते हैं विजन की। विजन, अगर आप ऑप्टन के बारे में सोचेंगे तो इनके निर्माता हैं विजय रेखी साहब। विजय रेखी साहब तकरीबन 50 साल तक यूबी ग्रुप के साथ थे, और जब उनका रिटायरमेंट का समय आया, जहाँ तक ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, अपने नाते पोते के साथ खेलते हैं, ये जनाब जो हैं उतर पड़े स्टार्टअप की दुनिया में। इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी नई जनरेशन को कुछ प्रीमियम सेगमेंट की विस्की दें, और इन्होंने शुरू किया यूनिबेव ग्रुप, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रुप। 500 नाम को दूर करके ये एक नाम लेकर आए थे यूनिबेव। बात करते हैं ओक्समिथ की। ओक्समिथ ने सोचा क्यों ना हम अपने इंडियन कंज्यूमर्स को कुछ नया दें, और इस तरीके से जो हमारी कंपनी है ओसाका जापान से, वो आए यहाँ पर इंडिया में और उन्होंने रिसर्च की। उन्होंने अपने विशेषज्ञों को भेजा ठेकों पर, ढाबों पर और अड्डों पर, और उन्हें हमारी विस्की ट्राई की। उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर तो इंडिया विस्की जो है नीट नहीं पीते हैं, सोडे के साथ पीते हैं, पानी के साथ पीते हैं, और उन्होंने स्पेशली लॉन्च की ओक्समिथ इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए सिर्फ केवल। बट ये बोलते हैं अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड, मतलब बनी है इंडिया के लिए, बट जो इसका स्तर है वो इंटरनेशनल का है। तो इस मापदंड में मैं किसको ज़्यादा पॉइंट दूंगा? देना तो मैं दोनों को सेम चाहता था, इसको भी सात और इसको भी सात, परंतु मेरा मन कर रहा है विजय रेखी साहब को 2 पॉइंट एक्स्ट्रा देने का। पहली बात तो ये कि जिस उम्र में लोग जाते हैं यात्रा पर, उन्होंने ये शुरू किया है, बहुत ही बहुत साहस चाहिए इस काम के लिए। दूसरा जो है मैं इनको 9 पॉइंट इसलिए दूंगा क्योंकि देखिए इनके इंटरव्यू ने कहा था कि दो बातों पे इन पे सवाल नहीं पूछना चाहिए। पहली बात तो पार्टीशन, क्योंकि उस समय ये पाकिस्तान के जो रीजन से इंडिया में आए थे, और शायद वो बहुत दुखदायक था इनके लिए। और दूसरा ये कि विजय मल्या साहब के बारे में इनसे कभी बात ना की जाए। अब वहाँ पर सुख की वजह से है, दुख की वजह से मुझे पता नहीं, पर वो नहीं चाहते। बट इस वजह से मैं उनको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहूँगा। तो इस मापदंड में इनके बनते 9 और इनके बनते 7 करें। तो मैं जैसे बोलता हूँ, अगर केस देखा जाए तो वहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से रियल इस्टेट को यूज़ किया गया है, और यहाँ का जो स्टार्टिंग में है और जो बैक में है, इन दोनों ने एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है, जो मेरे हिसाब से एक रियल इस्टेट का सही उपयोग नहीं है। बाकी जो बातें यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नीचे इन्होंने 3 गोल गोल चीज़ें बनाई हैं, उसका ज़्यादा मायने नहीं है। लिखते हैं विस्की मास्टर्स चॉइस, स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल ओक कास्क एंड बेस्ट इन कास्ट टेस्ट, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। बट जनरली अगर आप इसका केस देखेंगे तो बहुत ही नॉन कैचिंग केस है इसका, और आप जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उतनी क्लैरिटी नहीं है इसमें। मतलब दिखा भी रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ रही है पढ़ने के लिए। इसके लिए मैं इस केस को थोड़ा कम नंबर दूंगा, बट वो नंबर देने से पहले हम जाएंगे ओक्समिथ के पास। देखिए ओक्समिथ ने अपने रियल इस्टेट को कैसे यूज़ किया गया है, घुमा के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। किसी भी प्रकार इन्होंने कहीं पर भी जो रियल इस्टेट है उसका दुरुपयोग नहीं किया है। हर जगह पर इन्होंने अलग अलग बात लिखी है और कम्प्लीटली यूज़ किया गया है। मेरी इनसे एक ही शिकायत है कि कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है इन्होंने। जैसे यहाँ पर ये पीछे बताते हैं और काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, बताना तीन ही चीज़ें चाहते हैं कि भाई हमने इनकी जो विस्की है, जो स्कॉच है वो स्कॉटलैंड से आई है, जो इनकी बर्बन है वो यूएस से आई है, और जो क्राफ्टमैनशिप है ये है जापान की। बट कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। अगर आप केस को देखेंगे, मेरा जो आंकड़ा है और जो इस मापदंड में ज़्यादा नंबर पाता है, कि मैं देना चाहूँगा ऑक्टन को 10, क्योंकि उतनी क्लैरिटी नहीं है और रियल एस्टेट का उतना सदुपयोग नहीं किया गया है, और ओक्समिथ मेरे लिए केस के हिसाब से स्टैंड आउट करती है, बढ़िया उपयोग किया गया है, और मैं इसलिए ओक्समिथ को दूंगा 12.15 में से। जब मैंने इन दोनों बोतलों को पहली बार देखा था तो मेरी जो नज़र है ज़्यादा ऑक्टन के पास गई थी। वैसा क्यों? क्योंकि ये जो नीचे का जो आप पैटर्न देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा उस दूरी से, ये जो पैटर्न है काफ़ी यूनिक है, ऐसा पैटर्न मैंने कहीं और देखा नहीं है। इस वजह से जो इसकी जो विस्की है शाइन मार जाती है, राइट। और जब मैंने ओक्समिथ की बॉटल देखी थी तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए थे, वो दिन जब हमारे पास बल्ला नहीं हुआ करता था और क्रिकेट खेलने के लिए माँ जो कपड़े धोती थी उस चीज़ से हम क्रिकेट खेला करते थे। मुझे उस चीज़ की याद आ गई। यूनिक है, अद्भुत ज़रूर है,
बट इसके कंपैरिजन में मेरे को ओक स्मिथ की बॉटल उतनी जमी नहीं। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे इस दोनों साइड पे इन्होंने ओक स्मिथ लिख के रखा हुआ है। इस मापदंड में अगर मैं चाहूंगा नंबर देना तो मैं बॉटल के लिए ओक स्मिथ को दूंगा 15 20 में से और ऑक्टन को देना चाहूंगा 18, क्योंकि अगर मैं अपने कैबिन में रखूंगा तो मुझे ये शायद ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अपने नोसिंग की। बॉटल को खोलते हैं, देखते हैं कितनी आसानी होती है बॉटल को खोलने में या नहीं। अरे बहुत ही आसानी से खुल गई। जैसे आप देखेंगे फिर से स्पाउट है यहाँ पर ऊपर, काफ़ी माइल्ड सा मेलो सा इसका फ्लेवर है। थोड़ा पोरिंग करते हैं इसकी और देखते हैं, राइट थोड़ा स्वर्ल कर लेते हैं इसको और जाते हैं इसकी नोसिंग पे। नोसिंग पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कॉम्पोजिशन क्या है। ये क्लेम करते हैं इसके अंदर है ब्लेंडेड अप टू 18 ईयर्स ओल्ड स्कॉच। इसका मतलब क्या है? यूजुअली लोग बोलते हैं कि इस एक विस्की का जो टेस्ट जो एज है वो 12 साल की है। उसका मतलब ये होता है कि हर एक विस्की जो इसके अंदर ब्लेंड की गई है उसकी उम्र 12 है। इसमें लिखा गया है अप टू 18, इसका मतलब यह है कि इसमें जितनी भी विस्की का ब्लेंड है उसमें से एक विस्की का उम्र जो है वो 18 साल है। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? ये बताया गया यहाँ पर। इसको ये कहते हैं प्रीमियम रेयर प्रीमियम ग्रेन विस्की और इसमें है स्कॉच और इंडियन मॉल्ट्स। हल्का सा एकदम लाइट सा एक पीट है इसमें। एक काम करते हैं, इन्होंने अपने विस्की के पीछे लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या फील होना चाहिए, उसको देखते हैं और जानते हैं कि वो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ड्राइड एप्रिकॉट्स एंड हिंट ऑफ सिट्रस। हाँ एप्रिकॉट्स आ रहे हैं, हल्का सा एक सिट्रस भी है, क्लोव और सिनेमन। बहुत ही एक्चुअली सूथिंग इसका नोसिंग है। हाँ वनीला बढ़िया और एक नाइस पीट। इट्स अ वेरी वेरी प्लेजेंट नोस, मुझे अच्छी लगी है। थोड़ा देर दूर रखते हैं इसको, ओक स्मिथ पे जाएंगे। उससे पहले हमेशा की तरह हम अपना कॉफ़ी भी ले लेते हैं। ऑलराइट इसको खोलेंगे, देखते हैं कितना समय लगता है इसको खोलने में। ये भी जल्दी से खुल गई और इसकी होगी पोरिंग। अगर रंग देखें तो दोनों का काफ़ी सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिख रहा मेरे को। ऑक्टन को थोड़ा दूर करते हैं, ओक स्मिथ को लेकर आते हैं और नोसिंग। अरे वाह, उफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर नोसिंग है इसकी। ओह माय गॉड, वाव जस्ट वाव। इन्होंने जो अपने विस्की के बारे में बताया है, इन्होंने अपनी एज स्टेटमेंट नहीं दी है कहीं पर भी, पर इन्होंने कहा है कि इसके अंदर स्ट्रेट केंटकी बर्बन है, व्हिच आई कैन फील द बर्बन इज प्रीटी नाइस एंड दिस स्कॉच। इसमें ना एक हल्का सा जस्ट अ लाइट नोड ऑफ एक लाइट सा ग्रीन एप्पल का एक हल्का सा एक फ्लेवर उठ के आ रहा है, नोट उठ के आ रहा है। ओह वाह, एक स्वीटनेस है। ओह माय गॉड, ड्राई फ्रूट्स की एक स्वीटनेस आ रही है इसके अंदर। कंपैरिजन में अगर आप देखा जाए, अगर आप ओक्टन को और ओक्समिथ कंपेयर करते हैं, दिस इज अ सुपीरियर प्रोडक्ट, दिस एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। मेरे चेहरे पे आपको मुस्कान दिख रही होगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ओक्समिथ गोल्ड के नोजिंग से। इज जस्ट फैंटास्टिक। मापदंड में पॉइंट्स देते हैं, मैं इसके नोसिंग को, हमारे ओक्टन की नोसिंग को इसको दूंगा 20 पॉइंट और ओक स्मिथ की नोसिंग लोग काफ़ी सरप्राइज किया। बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है इसका। द बर्बन इज ऑल्सो नॉट स्टैंडिंग आउट। कभी कभी क्या होता है बर्बन एकदम बाहर जंप मार के आता है, छलांग मार के आता है, इसमें ऐसा इसके हालात नहीं है। और मैं इसकी नोसिंग को 24 पॉइंट दूंगा 25 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी मापदंड पर जाते हैं। आखिरी मापदंड है इसका हमारे टेस्ट का। चलिए चेस। हेविली हेविली माल्टेड, माल्ट फर्स्ट इसका टेस्ट है। जैसे एक लाइट सा पीट है बट एक लॉन्ग फिनिश आ रहा है, टेस्ट रुक जा रहा है। इट्स डिफिकल्ट टू से whether I would again try this, but heavily malted है ये मेरे लिए। ओह इट्स heavily malted। ये अपने टेस्ट में क्या देते हैं बोलता हूँ। ऑफकोर्स
डेलिकेटली माल्ट लिखा हो, मेरे को तो हेवली माल्ट लगी। टच ऑफ रिच कॉफी एंड हनी टॉफी, हल्का सा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर से वही बात बोलते हैं कि असॉर्टेड वॉलनट एंड एप्रिकॉट। मेरे लिए थोड़ी ये मुझे हार्श लग रही है। हार्श का मतलब ये है कि जो मॉल्ट है ज़्यादा ही उसका एक उबर के आ रहा है। डेलिकेटली लिखा था उन्होंने, डेलिकेट नहीं है। हाँ, वनीला का हल्का सा फ्लेवर है, स्वीटनेस है, वो सब ठीक है। एक हल्की सी पीट भी आ रही है एट द बैक ऑफ योर टंग, व्हिच इज़ आल्सो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओक स्मिथ की हम करते हैं टेस्टिंग। थोड़ा पानी पी लेते हैं टू क्लेंस द पैलेट बिफोर वी गो टू द ओक स्मिथ। ओक स्मिथ का टेस्ट कैसा है पहचानते हैं, जानते हैं। मैं तो इसका नोसिंग का ही फिदा हो गया हूँ दोस्तों। वाओ वाओ, एक बॉर्बन का फ्लेवर आपको ऐसा उठ के आता है, जो जो यूजली इसमें जो अल्कोहल का जो फ्लेवर रुक गया था, मुँह पे रुक गया था, वो इसमें रुका नहीं है, है उसका और वो आया और गायब हो गया। एंड जस्ट लीव्स योर माउथ विद अ नाइस बॉर्बन फील। बॉर्बन फील का मतलब यही है कि एक आपको जो कैरमल है या हनी है, वनीला है, वो आपके मुंह में रुक जा रहा है। ब्यूटीफुल, एक हल्के से मैं बोलूँगा एक चॉकलेटी फ्लेवर, एक क्रीमी फ्लेवर आपके पैलेट में रह जा रहा है। एंड दैट स्टेज बाय, वेरी नाइस। मैं तैयार हूँ इस मापदंड में नंबर देने के लिए और मैं चाहूँगा, है तो 30 में से, तो टेस्टिंग के लिए अपने ऑक्टन को मैं दूंगा 22, 30 में से, और ओक स्मिथ को थोड़े ज़्यादा, 30 में से इसको मिल रहे हैं 28। फाइनल नंबर्स आज के महादंगल में, ऑक्टन जो है आपकी रुक जाती है 79 पे, एंड आपका जो क्लियर कट विनर आ रहा है एट 86 पॉइंट, यू गेट ओक स्मिथ गोल्ड। आई होप आपको महादंगल पसंद आए। शो में जुड़े रहने का, मुझे प्रोत्साहन देने का बहुत 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 आभारी हूँ मैं आपका। फिर मिलेंगे।